नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पराली प्रबंधन और धान खरीद मुद्दे को लेकर के लघु सचिवालय में आए किसानों ने आज उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब डीसी फतेहाबाद ने किसानों के बीच पहुंचकर ज्ञापन लेने से मना कर दिया। डीसी की ओर से किसानों को संदेश दिया गया कि दो तीन दिन लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनके कार्यालय में मिल करके उन्हें ज्ञापन दे सकता है। इसके बाद लघु सचिवालय में मौजूद किसानों में रोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध न जमकर नारेबाजी की और जो ज्ञापन दिया जाना था उसे आग लगा दी। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए किसानों का कहना था कि प्रशासन से मिलकर के पराली प्रबंधन पर बात करना चाहते थे, मगर प्रशासनिक अधिकारियों का यह रवैया ठीक नहीं है। किसान संघर्ष समिति के मनदीप सिंह ने कहा है कि एक ओर जहां प्रशासन किसानों को पराली प्रबंधन के लिए अपील कर रहा है तो वहीं पराली में को आग लगाने के लिए स्वयं अपील भी कर रहा है ताकि कोई आग न लगाए, मगर पर्याप्त संसाधन मुहैया नहीं करवा रहा। 3 वर्षों से प्रशासन केवल आश्वासन देता रहा है, पराली प्रबंधन को लेकर के कोई भी मशीनें भी उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मर्जी से पराली में आग नहीं लगाता, मजबूरवश उसे ऐसा करना पड़ता है। किसान नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि जब आंदोलन होगा और अगर कोई अधिकारी उनके खेतों में आएगा तो उसे साफ तौर पर जवाब भी दिया जाएगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांगू की विशेष रिपोर्ट। मामला पराली के लिए हम बात करने के लिए आए थे। देखो, सारे किसान बात करना चाहते हैं, ये मान लो एक दो किसान अंदर चले जाए बात करके, दूसरों को क्या पता चलेगा अभी प्रशासन ने हमारे लिए क्या प्रबंध किया। हम पूछने के लिए आए थे कितनी मशीनें हमें दी गई हैं, मशीन लेने के लिए आए थे। कोई प्रशासन का प्रबंध नहीं है पराली का, मुकदमे बनाने की जो धमकियां दे रहा है प्रशासन। आज हम मिलने के लिए आए थे, आप मुकदमे बनाओ, एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं, सारे के सारे समूह गिरफ्तारी देंगे, किसान इकट्ठे होकर आएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। आग हम आग के पक्ष में नहीं है, और 3 साल हो गए, एक महीने की बात नहीं, साल की बात नहीं, 3 सालों में अभी तक प्रबंध नहीं किया गया। जो सब्सिडी पे जो औजार मिल रहे हैं उसमें खुल्लम खुल्ला घोटाला है, पैसे लिए जा रहे हैं किसानों से, और पूरी तरह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और पराली के लिए कोई समाधान नहीं है इनके पास। और ये पर्चे पुर्चे की धमकियाँ हमारे को ना दे, आज हम कहने के लिए आए थे, बस बात साहब ने नहीं करी। हम अब खेतों में मिलेंगे, इनके अधिकारी आएंगे, उनसे जवाब तो करेंगे, हमें मशीन दे दो, आग नहीं लगाई। वो 2-3 से मिलना चाहते थे, मगर ये सारे किसान सुनना चाहते थे ये हमारे लिए क्या प्रबंध हुआ। घर से चल के 2 घंटे से बैठे हैं, और 2 घंटे के बाद भी क्या, भी 2-3 आदमी बात करेंगे। ये लोकतंत्र है, सारे लोग सुनना चाहते हैं। डीसी साहब जिले के मालिक हैं, और संतुष्टि हो जाती है हमारे लिए क्या प्रबंध हुआ है, मगर प्रबंध नहीं है। और ये मांग पत्र हमने दिला दिया है, और इसके लिए हम अब लड़ाई मैदान में आंदोलन करने के लिए हम उतरेंगे, और सरकार जाते प्रशासन जाता भी किसान आंदोलन करे, आंदोलन ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं मारे। क्या मनदीप सिंह Oh, my God.